सभी कॉलेजों और विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में अपना व्याख्यान है ये स्पर्मेटोजेनेसिस पे रहेगा, शुकाणु जनन पे। इस व्याख्यान के जो मुख्य जो कंटेंट रहेंगे, आज के जो टॉपिक है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मॉर्फोलॉजी, टेस्टिस में प्रिमोर्डियम सेल जो होती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, शुकाणुजनन की वास्तविक जो क्रियाविधि है मैकेनिज्म, और लास्ट में शुकाणुजनन का नियंत्रण रेगुलेशन। इसमें मॉर्फोलॉजी का पार्ट है ये बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये पूरा एक अपने आप में एक चैप्टर है। प्रिमोर्डियम सेल के ओरिजिन ये अपने आप में एक डिटेल चैप्टर है, यहां पर फोकस रहेगा केवल शुकाणुजनन की बेसिक मैकेनिज्म पे। नरजनन तंत्र जो होता है उसमें मुख्य रचनाएं टेस्टिस होती है, टेस्टिस के बाद में वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसाइकल्स है, यूरिथ्रा है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। इसमें टेस्टिस जो है एक तरह का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है, टेस्टिस के अलावा जितनी भी रचनाएं हैं वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन्स कहलाती है। स्तनधारियों में परिवर्तन के दौरान टेस्टिस उदर गुहा में रहता है, लेकिन जो जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है ये टेस्टिस बॉडी के बाहर विस्थापित हो जाते हैं, लेकिन कई बार टेस्टिस उदर गुहा में भी रह जाते हैं जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण होता है, और ये कंडीशन कहलाते हैं क्रिप्टोर्किज्म। प्रत्येक टेस्टिस एक स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट रहेगा, इसके नीचे एपिथीलियम का आवरण होता है, और प्रत्येक टेस्टिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा छोटे छोटे चैम्बर्स में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। इन कंपार्टमेंट्स में सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की जो सरफेस जो होती है, परिधि होती है, इसमें जर्मिनल एपिथीलियम नामक आवरण पाया जाता है, जनन उपकला। इस जनन उपकला की जो कोशिकाएं हैं खुद की, वो सेल सर्टोली सेल्स होती है, नाम इसका जर्मिनल एपिथीलियम है, लेकिन वास्तव में जो प्रिमोर्डियम सेल होती है या स्पर्मेटोगोनिया बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है ये टेस्टिस की खुद की सेल्स नहीं है। इनकी ओरिजिन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होती है, इस बात पे भी अपन डिस्कस करेंगे। ये एक जैसे हिस्टोलॉजिकल सेक्शन दिखाया है पूरे टेस्टिस का, क्रॉस सेक्शन, और इसमें आप देख रहे हो टेस्टिस है, टेस्टिस के साथ एपिडिडाइमिस जुड़ा है, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस है, और वास डिफरेंस बाद में सेमिनल वेसाइकल्स में कनेक्ट हो जाता है, और सेमिनल वेजाइकल के थ्रू ये नरजनन छिद्र के द्वारा बॉडी के बाहर जो होता है ये खुलता है। ये इसका ग्राफिक डायग्राम है एक टेस्टिस के सेक्शन का। इसमें आप देख रहे हो अनेक सेप्टम्स हैं, छोटे छोटे सेप्टम्स हैं, और प्रत्येक सेप्टम के बीच में जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है। एक नलिका है ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है, और इस नलिका की सरफेस पे जर्मिनल एपिथीलियम, उसके अंदर सर्टोली सेल्स है, लेकिन प्रिमोर्डियम सेल्स भी होती है। ये प्रिमोर्डियम सेल्स टेस्टिस की नहीं है, इसकी ओरिजिन एक्स्ट्रा गोंडेलर होती है, और अलग अलग एनिमल्स में उसकी उत्पत्ति का तरीका भी अलग है, इसको भी मैं शॉर्ट में शेयर करूंगा। ये एक दूसरा इसका ग्राफिक डायग्राम है टेस्टिस के, ये एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का, और इसमें आप देख रहे हो बीच में जो येलो कलर में जो पंच है ये शुक्राणु है, और ये डेवलपिंग स्टेजेस हैं सारी जर्म सेल्स के, जिसमें ऊपर ऊपर प्रिमोर्डियम सेल्स होती है, उसके नीचे स्पर्मेटोगोनिया होती है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है, स्पर्मेटिड होती है, लास्ट में स्पर्म बनते हैं। तो इसमें एनिमल्स में गैमिट फॉर्मेशन है वो भी दो टाइप का होता है, कुछ एनिमल्स में गोनेड है वो गोल गेंद की तरह होता है, उनमें गैमिट फॉर्मेशन परिधि से केंद्र की तरफ होगा, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, और इस तरह का जो गैमिट प्रोडक्शन है इसको होलोगोनिक मेथड के नाम से जाना जाता है। कुछ एनिमल्स में गोनेड है वो नलिकाकार होते हैं ट्यूब के जैसे, जैसे एस्करिश है, टीनिया सोलियम है, इंसेक्ट है, इनमें गैमिट का प्रोडक्शन ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट की तरफ होता है, एपिकल पार्ट से बेसल पार्ट की तरफ चलता है, और इस तरह का जो गैमिट प्रोडक्शन है इसको टेलोगोनिक मेथड के नाम से जाना जाता है। तो प्राणियों में गैमिट प्रोडक्शन से दो विधि का हो गया, होलोगोनिक और टेलोगोनिक। टेलोगोनिक में भी गोनेट में जोन्स दिखेंगे आपको, ऊपर ऊपर आपको स्पर्मेटोगोनिया देखेंगे, बीच में आप देखो तो आपको स्पर्मेटोसाइट्स देखेंगे, और जो जो आप नीचे चलते जाओगे उसके अंदर आप शुकाणु को देख सकते हो।
ये एक हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है टेस्ट इसकी, जो कि हम लेबोरेटरी में बनाते हैं हेमेटोक्सिलिन से स्टेन करके, और इसमें आप देख रहे हो ये सारी ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के क्रॉस सेक्शंस हैं, बीच में जो ल्यूमेन है इसमें स्पर्म भरे रहते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर भी खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान में भी कोशिकाएं मिलती है जिसको अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर एक टेस्टिस में तीन तरह की सेल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में प्रिमोर्डिज्म सेल्स, एक सर्टोली सेल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर लेडिंग सेल या अंतराली कोशिकाएं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि पीजीसी की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रिमोर्डिज्म सेल कहां बनती है, कैसे बनती है, कैसे टेस्टिस में आके माइग्रेट करती है, तो ये भी एक पूरा एक डिटेल चैप्टर बन सकता है एक घंटे का व्याख्यान, लेकिन कुछ मेन मेन एनिमल्स में यहां पर शेयर करना चाहूंगा। एस्केरिस जो होता है, एस्केरिस में डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज होता है और जायगोट के बाद में डिसाइड होने लग जाता है कि कौन सी सेल आगे चलकर क्या बनाएगी। आपको यदि एस्केरिस का डेवलपमेंट याद हो तो उसमें सबसे पहले ए बी सेल्स बनती है, उसके नीचे पी सेल्स बनती है, ए बी सेल फिर डिवाइड हो जाती है ए और बी सेल्स में, उसके बाद में ईएमएसटी सेल्स बनती है, जी वन सेल्स बनती है, जी टू सेल्स बनती है। इससे एस्केरिस के जायगोट में दो बड़े आकार के क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि होलोसेंट्रिक प्रकार के हैं। होलोसेंट्रिक का मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर लोकेट नहीं हो, क्योंकि सेल डिवीजन जब होता है तो माइटो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो इस सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं, लेकिन होलोसेंट्रिक में डिफ्यूज टाइप का सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कई तरह के इसमें लोकेशन है जहां पर ये स्पिंडल फाइबर है अटैच हो सकते हैं, या डिफ्यूज टाइप का भी बोल सकते हैं इसको। अब एस्केरिस में जब डेवलपमेंट होगा तो केवल दो सेल ऐसी होती है जिसमें ये क्रोमोसोम डैमेज नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, बाकी कोशिकाओं में ये क्रोमोसोम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो जिन सेल्स में क्रोमोसोम डैमेज हो जाते हैं, मेटाबोलाइज हो जाते हैं, वो सेल तो सोमेटिक सेल्स में कन्वर्ट होती है, और जिन कोशिकाओं में ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं वो प्रिमोर्डिज्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एस्केरिस में पीजीसी के ओरिजिन का जैसे मेथड है। ड्रोसोफिला में क्या होगा कि वेस्टल पोल का जो योक जो होता है पोलर प्लाज्म, वो पोलर प्लाज्म में प्रिमोर्डिज्म सेल्स का आगे चलकर फॉर्मेशन करेगा। मछलियों में प्रिमोर्डिज्म सेल्स एंडोडर्म से बनती है, एम्फीबिया में वेस्टल पोल के पोलर प्लाज्म से बनती है, रेप्टाइल्स में उसकी उत्पत्ति गॉनेट के बाहर होती है, टेस्टिस के अंदर नहीं होती है, बर्ड्स में ब्लास्टोडिस्ट का जो पीछे वाला जो भाग होता है पोस्टीरियर पार्ट, उससे इनकी उत्पत्ति होती है, और अपने स्तनधारियों में भी प्रिमोर्डिज्म सेल्स की उत्पत्ति टेस्टिस के बाहर होती है, और अपने ह्यूमन में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का परिवर्तन होता है, तो भ्रूण का आगे वाला जो भाग है उसको एंटीरियर पार्ट मान सकते हैं अपन, या सिफेलिक पार्ट मान सकते हैं, और पीछे का जो भाग है वो कॉडल पार्ट है, और कॉडल पार्ट है वहां पर जनरली इंटेस्टाइन बनती है, हार्नल का जो पार्ट होता है, तो हार्नल की जो एंडोडर्म है कॉडल एंडोडर्म, उससे कॉडल एंडोडर्म से इस प्रिमोर्डिज्म सेल्स की ओरिजिन होगी। लेकिन पीजीसी जब एंडोडर्म से डेवलप हो रही है उसके अंदर स्यूडोपोडिया डेवलप होते हैं, और ये एमीबॉइड मोमेंट के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी, और ब्लड के द्वारा परिवर्तित हो रहे जो गोनेड है टेस्टिस, उसके अंदर आके ये स्थापित हो जाती है। तो अपनी बॉडी में प्रिमोर्डिज्म सेल है वो टेस्टिस की खुद की सेल्स नहीं है, ये एक्चुअली में बाहर की सेल्स है, और किसी भी ऑर्गेन्स में बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल्स आए, कोई भी जीन्स आए, कोई भी सेल्स आए, वो उसके लिए एंटीजन्स का काम कर सकती है। टेस्टिस में कई बार एंटीबॉडीज भी बन जाती है, ये एंटीबॉडीज इन प्रिमोर्डिज्म सेल्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, और इस केस में जो बच्चे होंगे वो पूर्णतया नपुंसक टाइप के होते हैं, गैमेट का प्रोडक्शन उसमें नहीं होता है। लेकिन इससे बचने के लिए टेस्टिस में ब्लड बैरियर भी पाए जाते हैं। अपनी बॉडी में कई ऑर्गेन है जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन है, वहां पर एक एक चीज की चेकिंग होती है, एक एक मॉलिक्यूल्स की चेकिंग होती है, ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है उसमें चेकिंग होती है, प्लेसेंटा में चेकिंग होती है, रेटिना में चेकिंग होती है, टेस्टिस में भी जो ब्लड सप्लाई है वहां पर भी बैरियर है, वहां पर भी पूरी चेकिंग होती है ताकि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं हो और प्रिमोर्डिज्म सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं हो। इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन एम्ब्रियो का जैसे फिगर दिखाया है, इसमें ये सिफेलिक एंड है, ये कॉडल एंड है, और कॉडल एंड के द्वारा ये प्रिमोर्डिज्म सेल्स डेवलप होगी, और ये प्रिमोर्डिज्म सेल्स बाद में विकसित हो रहे गोनेड के अंदर ये विस्थापित हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। ये इसी का फिगर दिखाया है, प्रिमोर्डिज्म सेल्स का माइग्रेशन। ये और एडवांस स्टेज है एम्ब्रियो की, जिसमें प्रिमोर्डिज्म सेल टेस्टिस में आकर एस्टेब्लिश हो गई है, स्थापित हो गई है। अब जो एक्चुअल प्रोसेस जो है शुक्राणु जनन का, इस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट भी है। शुक्राणु जनन किसको कहेंगे?
तो टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में प्रिमोर्डियम सेल्स के द्वारा हैप्लोइड स्पर्म का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। टेस्टिस हजारों सेमिनिफेरस नलिकाओं का बना होता है। इन नलिकाओं का बाहरी जो आवरण है वो ट्यूनिका प्रोप्रिया है। ट्यूनिका प्रोप्रिया के नीचे जर्मिनल एपिथीलियम होती है और इस जर्मिनल एपिथीलियम में दो तरह की सेल्स है, एक तो पीजीसी प्रिमोर्डियम सेल्स, एक सर्टोली सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स। एक तीसरी टाइप की सेल है लेडिंग सेल, जिसको अंतराली कोशिका भी कहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर जो खाली स्पेस होता है, अंतराल होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। यहां पर प्रिमोर्डियम सेल जो है इसका मेन काम होता है शुकाणु का प्रोडक्शन करना, ये शुकाणु का उत्पादन करती है। सर्टोली सेल जो है इसके कई फंक्शंस हैं। भ्रूणी अवस्था में ये सर्टोली सेल से एक हार्मोन बनाती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो अपनी बॉडी में जो जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो प्रिमिटिव गोनेट जो होता है वो बाइपोटेंशियल टाइप का होता है। बाइपोटेंशियल से मतलब इस गोनेट में टेस्टिस में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी भी होती है, इसके अंदर ओवरी में डेवलप होने की कैपेसिटी भी होती है। और हर प्रिमिटिव गोनेट का परिधि वाला जो भाग होगा उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, सेंटर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं। कॉर्टेक्स से गुलेरियन डक्ट निकलती है, मेडुला से वुल्फियन डक्ट निकलती है। अब मान लीजिए जायगोट का जीनोटाइप यदि XY हो तो कॉर्टेक्स पार्ट विलुप्त हो जाएगा, गुलेरियन डक्ट विलुप्त हो जाएगी, मेडुला पार्ट टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी जो वुल्फियन नलिकाएं होती है वो वास डिफरेंस में परिवर्तित हो जाएगी। यदि जायगोट का जीनोटाइप XX टाइप का हो उस केस में मेडुला पार्ट डैमेज हो जाएगा, कॉर्टेक्स पार्ट है वो अंडाशय में कन्वर्ट हो जाएगा और मुलेरियन डक्ट जो होती है ये फेलोपियन ट्यूब में अविडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब मान लीजिए जायगोट का जीनोटाइप XY है और उसमें सर्टोली सेल यदि एंटी मुलेरियन हार्मोन यदि साबित नहीं कर रही है, उस केस में XY क्रोमोसोम होते हुए भी इस बच्चे के अंदर अंडाशय डेवलप हो जाते हैं। कई बार जीनोटाइप XX होते हुए भी उसके अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाता है और इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको फ्री मार्टिन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सर्टोली सेल है, ये AMH हार्मोन एंटी मुलेरियन हार्मोन साबित करती है और इसका मेन मकसद क्या होता है कि फीमेल ऑर्गेन्स डेवलप नहीं हो। यदि हार्मोन नहीं बनेगा तो लड़के के अंदर अंडाशय बन जाएगा, अंडवाहिनी बन जाएगी, कई बार लड़कियों के अंदर टेस्टिस बन जाते हैं, ये हार्मोन इंबैलेंस की वजह से होता है। और अडल्ट के अंदर यही सर्टोली सेल से डेवलपिंग स्पर्म्स को पोषण प्रदान करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है और कुछ कैडहरिन प्रोटीन्स हैं उनके द्वारा ये जुड़े रहते हैं। और जितने भी स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे, स्पर्मेटोकोनिया बनेंगे, वो सारे आपस में साइटोप्लाज्मिक चैनल्स के द्वारा कनेक्टेड है, इंडिविजुअल सेल्स नहीं बनती यहाँ पर। और लेडिंग सेल है, ये प्योरली एंडोक्राइन सेल्स है और इसमें जो सेक्स हार्मोन्स हैं पर्टिकुलरली एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन इनके ये फॉर्मेशंस करती है। अभी इसमें आप देख रहे हो तीनों सेल्स पीजीसी स्पर्म का प्रोडक्शंस करेगी, सर्टोली सेल भ्रूणीय अवस्था में AMH हार्मोन्स बनाएगी, अडल्ट में ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी और लेडिंग सेल ये प्योरली एंडोक्राइन सेल्स है, ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसलिए टेस्टिस एक तरह की मिक्स ग्लैंड्स भी है। मिक्स ग्लैंड वो होती है जिसमें जिनके जो प्रोडक्शंस हैं वो ब्लड के अंदर भी रिलीज हो और नलिकाओं के अंदर भी रिलीज हो। तो यहाँ पर जो शुक्राणु का प्रोडक्शन है एक तरह का एक्सोक्राइन फंक्शन है, हार्मोन जो बन रहा है ये एक तरह का एंडोक्राइन फंक्शन है। अब ये प्रिमोर्डियम सेल से गोनेट में आने के बाद में इसका डिवीजन जो होगा वो अरेस्ट हो जाएगा। ये नहीं कि शुक्राणु जनन छोटे बच्चों में स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। गोनेट जब डेवलप होगा प्रिमोर्डियम सेल्स उसके अंदर माइग्रेट करके आ जाएगी और उसके बाद में इसका डिवीजन थोड़े समय के लिए रुक जाता है। ये डिवीजन का जो अरेस्ट है ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। जैसे रोडेंट्स में चूहे वगैरह जो है इसमें जन्म तक इसका डिवीजन रुका रहेगा। पुल्स जो होते हैं इसमें 4 से 8 सप्ताह तक ये डिवीजन रुका रहेगा। सुअर के अंदर 5 से 15 दिन तक ये डेवलपमेंट रुका रहेगा और अपने मनुष्यों में जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें 2 साल तक कोई पीजीसी के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे जर्म सेल्स है लेकिन उसमें स्पर्मेटोगोनिया का प्रोडक्शन से 2 साल तक नहीं होता है, उसके बाद में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए कई पर्टिकुलर तरह के हार्मोन्स हैं, कई प्रोटीन्स हैं वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब अफ्टर बर्थ जो प्रिमोर्डियम सेल जो बनी इस जर्म सेल्स में 3 तरह की कैपेसिटी पाई जाती है। एक तो ये अपने आप का नवीनीकरण भी करती रहती है, रीइनोवेशन में क्या होगा, जो जो शुक्राणु आगे शिफ्ट होते रहेंगे पीछे से अपनी एंसेस्ट्रल जो सेल होती है अपनी ओरिजिनल जो सेल है उसको भी ये डेवलप करती रहती है।
अदरवाइज तो क्या होगा, जितने प्रिमोर्डिजल सेल है उन्हें सुकाणु प्रोड्यूस कर दिए तो आगे सुकाणु कैसे बनेंगे, तो इनका स्टॉक मेंटेन रहे इसलिए ये सेल वापस रीइन्वेशन के द्वारा अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में भी आती रहती है। इनके अंदर स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करने की कैपेसिटी भी होती है और इनके अंदर एपोप्टोसिस भी होता है, क्योंकि कई बार आदमी की एजिंग बढ़ती है, जो जो आयु बढ़ती है ये प्रिमोर्डियल सेल है इनकी डेथ भी हो जाती है, जिसको प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस के नाम से जैसे जाना जाता है। अब जो एक्चुअल प्रोसेस जो है सुकाणुजनन का, ये दो भागों में कंप्लीट होगा, दो पदों में ये संपन्न होता है। पहला पद है इसका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और सेकेंड स्टेप होती है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मटिलियोसिस या स्पर्म डिफरेंशिएशन या स्पर्म मेटामॉर्फोसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में प्रिमोर्डियम सेल से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन होती है। स्पर्मेटिड है वो एक डिप्लॉइड सेल है, स्पर्मेटिड है वो हैप्लॉइड सेल्स है। इट मीन्स इस स्टेज में डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बन रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोटिक डिविजन होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन फेज में माइटोसिस भी होता है। तो एकमात्र बॉडी की ऐसी सेल है जिसमें सूत्री विभाजन की कैपेसिटी भी है और मियोसिस मियोटिक डिविजन की भी इसमें कैपेसिटी है। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड भी हैप्लोइड होता है, सुकाणु भी हैप्लोइड होता है। अब हैप्लोइड सेल का हैप्लोइड सेल में यहाँ पर रूपांतरण है, लेकिन यहाँ कोई माइटोसिस नहीं है, कोई सेल डिवीजन नहीं है, केवल सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज होती है। गोल सेल है वो स्पिंडल सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉन मोटाइल सेल है वो मोटाइल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जो सेल अंडे को फर्टिलाइज करने में कैपेबल नहीं है वो अंडे को फर्टिलाइज कैपेबल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए सेकेंड स्टेप को विभेदन के नाम से भी जाना जाता है, इसको कायंत्रण के नाम से भी जाना जाता है, इसको स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं और इसका स्पर्मटिलियोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ओवरऑल जो सुकाणुजनन की प्रक्रिया है ये दो पदों में संपन्न होगी, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। अब पहली जो स्टेप है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसमें भी तीन सब स्टेप्स होती है, जिसमें पहली स्टेज है मल्टीप्लीकेशन या गुणन प्रावस्था, सेकेंड ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था, तीसरी मैच्यूरेशन फेज या परिपक्व प्रावस्था। मल्टीप्लीकेशन फेज में केवल माइटोसिस होगा, केवल सूत्री विभाजन। ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन नहीं होता है, केवल नए प्रोटोब्लास्ट का संश्लेषण होता है, सेल की साइज बढ़ती है। और मैच्यूरेशन फेज में एक्चुअल जो सूत्री विभाजन होता है मियोसिस वो संपन्न होगा। मियोसिस भी दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इन तीनों स्टेप को एक एक करके अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब माइटोटिक जो डिवीजन है, अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये प्रिमोर्डियल सेल कितनी बार डिवाइड होती है, कितने डिवीजन के बाद में स्पर्मेटोगोनिया बनता है। तो अलग अलग एनिमल्स में ये डिवीजन का लेवल अलग अलग होता है, लेकिन चार बार कम से कम डिवाइड होगी, चार या पांच बार, छह बार भी हो सकती है, सात बार भी हो सकती है, आठ बार भी हो सकती है। और हर डिवीजन के बाद में जो सेल्स बनती है उसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूँ, अलग अलग बुक से मैंने कोट किया है। जैसे कुछ एनिमल्स में सबसे पहले प्रिमोर्डियम सेल A1 स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होगी, A1 से A2 बनेंगे, A2 से A3 बनेंगे, A3 से A4 बनेंगे, A4 B1 में कन्वर्ट होता है, B1 B2 में कन्वर्ट होता है, फिर ये P में कन्वर्ट होता है। P का मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तीन तरह की सेल्स बन गई है, ए टाइप की, बी टाइप की, पी टाइप की। एक जो एनिमल है इसमें AD AP BP, AD का मतलब ये गहरे रंग की, जब इसको स्टेन करते हैं तो गहरे रंग की रंगी जाती है, डी का मतलब डेंस और पी का मतलब पैल, ये थोड़ी हल्के रंग की होती है। तो माइक्रोस्कोप में देखो तो जो गहरे रंग की सेल यदि दिखाई दे रही है स्पर्मेटोगोनिया, इसका मतलब ये AD टाइप की है, हल्के रंग की दिखाई दे रही है वो AP टाइप की है। बी सेल पी का मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये एक मॉडल है बंदर का, बंदरों के अंदर AS सेल बनेगी, ASA A0 बनेगी, A1 बनेगी, A2 बनेगी, उसके बाद आई सेल, आई का मतलब इंटरमीडिएट स्पर्मेटोकोनिया, फिर बी सेल, लास्ट में पी स्पर्मेटोसाइट। और अपने ह्यूमन के अंदर जी सीरीज तक के स्पर्मेटोकोनिया बनते हैं, ए बनेगा, बी बनेगा, ए बनेगा, उसके बाद आई बनेगा, फिर बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, ई बनेगा, एफ बनेगा, जी बनेगा। क्योंकि एक अपने बॉडी में जब सुकाणु रिलीज होते हैं तो करोड़ों की संख्या में रिलीज होते हैं। फीमेल में तो एक प्रिमोर्डियम सेल से एक यूओ बनता है, लेकिन मेल के अंदर एक प्रिमोर्डियम सेल से लाखों की संख्या में, और ये आप डिटेल इसमें देखोगे। इसका जो सक्सेसिव जो फिगर्स है उसमें
ये बोर्ड का ही डायग्राम है, जैसे आपके समझ में उस हिसाब से। प्रिमोर्डियम सेल, ये जो एग्जांपल है मैं ह्यूमन का फोकस कर रहा हूं अपने स्तनधारियों में। सबसे पहले प्रिमोर्डियम सेल है, ये A1 स्पर्मेटोकोनिया में कन्वर्ट होती है। A1 इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहां पर। इस A1 स्पर्मेटोकोनिया में तीन संभावनाएं हो सकती है, या तो ये वापिस अपने जैसी सेल्स को प्रोड्यूस करे यानी A1 टाइप की, या इसमें माइटोसिस हो और आगे की सीरीज बने, या इसके अंदर एपोप्टोसिस हो जाए। और इसमें ए टाइप के जितने भी स्पर्मेटोकोनिया है उसमें अपने जैसी सेल्स को बनाने की कैपेसिटी भी होती है, और अगली स्टेप की जो सेल्स है उसको बनाने की कैपेसिटी भी होती है, और इसके अंदर एपोप्टोसिस कैपेसिटी भी होती है। लेकिन जब बी कैटेगरी की सेल आ जाएगी, बी कैटेगरी की सेल में अपने जैसी सेल बनाने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आगे की जो सेल्स है वो बना सकती है, और उसके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ भी हो सकता है। अब ये A1 स्पर्मेटोकोनिया ये डिवाइड होता है माइटोसिस के द्वारा, और उसमें दो सेल्स बनेगी, इसको बोलते हैं A2 स्पर्मेटोकोनिया। इसमें आप डायग्राम में आप देखते रहना सक्सेसिवली, प्रिमोर्डियम सेल्स कन्वर्ट होगी A1 स्पर्मेटोकोनिया में, A1 के अंदर माइटोसिस हुआ, दो सेल्स बनी, इन दोनों सेल्स को बोलते हैं A2 स्पर्मेटोकोनिया। अब A2 स्पर्मेटोकोनिया में फिर माइटोसिस होगा, इसमें चार सेल्स बनेगी, इन चारों सेल्स को A2 के नाम से जाना जाता है, चार A2 स्पर्मेटोकोनिया। लेकिन यहां जो चार A2 स्पर्मेटोकोनिया बन रहे हैं ये सभी सुकाणु जनन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसमें एक सेल है वो भविष्य के लिए रिजर्व रह जाती है, उसको इमरजेंसी में काम में लिया जाएगा, या जब भी इसकी जो स्टेम सेल है वो मान लीजिए डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, उस केस में ये रेजिडुअल सेल्स जो होती है ये स्पर्मेटोकोनिया के अंदर ट्रीट हो जाती है, उसका काम करती है। तो यहां पर चार सेल में तीन सेल तो सुकाणु का प्रोडक्शन करेगी, लेकिन एक सेल स्पर्मेटोजेनेसिस भाग नहीं ले रही है, और इसको रेजिडुअल सेल या रिजर्व सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो तीनों A2 सेल होती है इसके अंदर फिर माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस होगा तो 3 से 6 कोशिकाएं बनेगी, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पर्मेटोकोनिया। अब आप सीरीज नोट करते जाओ, पीजीसी से A1 बनी, A1 से A2 बनी, A2 में 3 में डिवीजन हो रहा है, एक रेजिडुअल में कन्वर्ट होगी, और ये तीन सेल है वो इंटरमीडिएट स्पर्मेटोकोनिया में कन्वर्ट होगी। अब इन इंटरमीडिएट में फिर माइटोसिस होगा। हाँ सर, ये इंटरमीडिएट स्पर्मेटोकोनिया ये 12 सेल्स बनाएगी, इसको बोलते हैं B1 स्पर्मेटोकोनिया। इन 12 सेल्स में फिर डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, उससे 24 सेल्स बनेगी, ये कहलाती है B2 स्पर्मेटोकोनिया। अब आप देख रहे हो स्पर्मेटोकोनिया कितनी श्रृंखलाएं बन रही है यहां पर, A1 टाइप की, A2 टाइप की, इंटरमीडिएट टाइप की, B1 टाइप की, B2 टाइप की। अब ये B2 टाइप की जो सेल्स बन गई इसमें रिन्यूएशन नहीं होता है, अपन चाहें कि B2 सेल वापस प्रिमोर्डियम सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन A टाइप की सेल PGC में रूपांतरित हो सकती है, ये B सेल आगे डिवाइड होगी, उससे C कैटेगरी के बनेंगे, फिर D कैटेगरी के बनेंगे, E कैटेगरी के बनेंगे, और अपने मनुष्यों में जी सीरीज तक के स्पर्मेटोगोनिया का प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद में फिर ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है। ये यहां तक का जो ये ड्यूरेशन है ये मल्टीप्लीकेशन फेज है, गुणन प्रावस्था। इसमें प्रिमोर्डियम सेल से स्पर्मेटोगोनिया बन गए हैं, और ये मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्तनधारियों में इनकी श्रृंखलाएं अलग अलग होती है, किसी में 4 सेल बन रही है, किसी में 5 वेरायटी बन रही है, 6 वेरायटी बन रही है, 7 वेरायटी, मैक्सिमम 7 वेरायटी बन सकती है, और इनके नोमेनक्लेचर हर एनिमल्स में अलग अलग है, ए तो बोलते हैं, बी बोलते हैं, आई बोलते हैं, पी बोलते हैं। हाँ, इस बाद में सेकेंड जो प्रावस्था आएगी वो है ग्रोथ फेज, और ग्रोथ फेज में क्या होगा कि कोई डिवीजन नहीं होता है, नो माइटोसिस, केवल सेल में प्रोटोब्लास्ट का संश्लेषण होता है, जीवद्रव्य मात्रा में वृद्धि होती है, इसको एक तरह की प्रोटोब्लास्ट में ग्रोथ भी अपन कह सकते हैं। अब यहां पर जितने भी प्रिमोर्डियम सेल से जो स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं ये सेल आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़ी है, और एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल में जा सकता है, एक सेल के RNA के मॉलिक्यूल दूसरे में जा सकते हैं, एक सेल के राइबोसोम्स दूसरी सेल्स में जा सकते हैं। अब इस कंडीशंस को बहुकेंद्रीय तो अपन नहीं कह सकते, मल्टीन्यूक्लिएट तो नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी स्पर्मेटोकोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड है, सारे आपस में कनेक्टेड है, लेकिन मेटेरियल का फ्लो जरूर होता है। तो कई बार लास्ट में जो स्पर्मेटिड बनेगा वो हैप्लोइड है, एगुणित है, जेनेटिकली वो हैप्लोइड है, लेकिन फिजियोलॉजिकली वो डिप्लोइड है,
क्योंकि इसमें जितना भी प्रोटीन्स होता है वो इस ग्रोथ फेज के दौरान जो प्रोटीन्स बनता है वो सारा प्रेजेंट होता है। मल्टीप्लीकेशन में जितनी भी सेल्स बनेगी वो सारी द्विगुणित होती है, डिप्लोइड होती है। ग्रोथ फेज के अंदर सेल बनेगी, ये भी सारी डिप्लोइड है। अब ग्रोथ फेज में ये स्पर्मेटोगोनिया ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो मल्टीप्लीकेशन फेज कंप्लीट, इसमें केवल सूत्री विभाजन होगा और प्रिमोर्डिज्म सेल जो सेल बनेगी उसको स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया की नोमेनक्लेचर अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होगी, इनकी अलग अलग सीरीज होगी, अलग अलग श्रृंखलाएं होगी, इनका ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। कई बार ये मल्टीप्लीकेशन 5 दिन में कंप्लीट होता है, कई बार 10 दिन में कंप्लीट होता है। हर एनिमल्स में प्रोडक्शन का जो टाइमिंग है ये अलग अलग होता है। हाँ, इसमें आप देख रहे हो ये स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुका है और यहां पर आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि इसलिए हो रही है कि प्रोटोब्लास्ट बन रहा है और प्रोटोब्लास्ट बनता है तो इसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब तीसरा जो मैच्यूरेशन फेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, और आप मियोसिस पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। मियोसिस है ये 2 फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट है ये एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और मियोसिस सेकेंड है वो एक तरह का माइटोटिक डिवीजन होता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो मियोसिस फर्स्ट में डिप्लोइड सेल हैप्लोइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और मियोसिस सेकेंड में हैप्लोइड सेल से हैप्लोइड सेल्स ही बनेगी। लेकिन मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल्स बनती है, मियोसिस सेकेंड में 2 से 4 सेल्स बन जाती है। और मियोसिस फर्स्ट जो होगा इसको होमोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस सेकेंड को हिट्रोटिपिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस फिगर में आप देख रहे हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ और मियोसिस फर्स्ट के बाद में ये 2 एगोनित कोशिकाएं बन रही है, इनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के नाम से जाना जाता है। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड एक तरह का माइटोसिस होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो अंतिम जो स्पर्मेटोगोनिया था लास्ट सीरीज का, उस एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं, और यहां तक का ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें 3 प्रावस्थाएं हो गई है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मेच्यूरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज प्योरली माइटोसिस है, इसमें स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होती है, और ग्रोथ फेज के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है, केवल सेल की साइज में ग्रोथ होती है, और मैच्योरेशन फेज है एक्चुअल में मियोटिक डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अब सेकेंड जो पार्ट है इसका स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस या स्पर्म मेटामोरफोसिस या स्पर्म डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या होगा, स्पर्मेटिड का रूपांतरण शुक्राणु में होता है, स्पर्मेटिड गोल है, शुक्राणु है वो स्पिंडल शेप होता है, हर एनिमल्स के स्पर्म की आकार आकृति भी अलग अलग टाइप की होती है। स्पर्मेटिड निष्क्रिय होता है, नॉन मोटाइल होता है, लेकिन शुक्राणु के अंदर मोमेंट पाई जाती है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा इसको मैं 2 तरीके से डिस्कस करूंगा। एक तो इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स अपन डिस्कस करेंगे, गोल्जी बॉडी में क्या चेंजिंग आती है, केंद्रक में क्या चेंजिंग आती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चेंजिंग आती है, तारिकाएं में क्या चेंजिंग आती है, और इन्हीं सारी इवेंट्स को फिर 4 फेज में अपन डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। ये एक फ्लो चार्ट इसमें दिखाया है, इस फिगर में आप देख रहे हो ऊपर ऊपर ये स्पर्मेटोगोनिया है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, बाद में स्पर्मेटिड बने, लास्ट में स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहे, और ये एक टेस्टिस का जैसे फिगर है, इसमें आपको पूरी सीक्वेंस मिलेगी। आप टेस्टिस में परिधि में देखो तो आपको प्रिमोर्डियम सेल्स मिलेगी, उसके नीचे आपको स्पर्मेटोगोनिया मिलेंगे, उसके नीचे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा, उसके नीचे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे, उसके नीचे स्पर्मेटिड मिलेंगे, और लास्ट में सेमिनिफेरस ट्यूबुल की जो कैविटी होती है गुहा, उसके अंदर आपको स्पर्म मिलेंगे। तो पूरी सीरीज होती है क्रम के अंदर। तो कई बार स्लाइड जैसे हम बनाते हैं हिस्टोलॉजी में, तो उसमें बाकायदा लोकेट कर सकते हैं, काउंटिंग भी करनी पड़ती है कई बार। कई बार चूहे में एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि रेडियम का, कैडमियम का है, या और कोई केमिकल्स का, कि गैमेटोजेनेसिस क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सेल को हम इंडिविजुअल काउंट भी कर सकते हैं, A1 इतने टाइप इतनी संख्या है, A2 इतनी है, A3 इतनी है, A4 इतनी है, तो ये इजी टास्क है बहुत ही। ये पूरी सीरीज का क्रोनोलॉजी में जस्ट फिगर है, इसमें ये फिगर आगे आगे भी आएगा, आगे डिस्कस करेंगे इसमें।
ये अगेन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है, बाहर से भीतर की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ, और इसमें आप देख रहे हो हर सीरीज की सेल्स इसमें दिखाई है, सेंटर के अंदर शुक्राणु दिखाए हैं। अब इसमें चेंजिंग जो होती है स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान, गॉल्जी बॉडीज में चेंजिंग होती है, परफोरेटोरियम की फॉर्मेशन होती है, केंद्रक में परिवर्तन होता है, पूंछ का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजिंग होती है, साइटोप्लाज्म में चेंजिंग होती है और शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली में चेंजिंग होती है। इन सभी को एक एक करके शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। गॉल्जी बॉडीज में जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे, गॉल्जी बॉडीज में सिस्टर्नी होती है, वेसाइकल्स होती है, वैक्यूल्स होती है। इनकी कुछ सिस्टर्नी में हाई डेंसिटी का फ्लूड भरा रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंस सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, और उसमें एक्रोसोम के एंजाइम होते हैं और कुछ नहीं होता है। कई एनिमल ऐसे हैं जिसमें एक्रोसोम होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो फर्टिलाइजेशन करते हैं क्योंकि इनमें गॉल्जी बॉडीज है, गॉल्जी बॉडी की सिस्टर्नी है, वो एज ए एक्रोसोम्स का काम करेगी। एक एग्जाम्पल है जैसे एम्फीस्टोम, एम्फीस्टोम एक पैरासाइट है जो गाय भैंसों की रूमन में मिलता है, तो इस एम्फीस्टोम के अंदर एक्रोसोम नहीं है लेकिन गॉल्जी बॉडीज है उसमें, तो शुक्राणु में गॉल्जी बॉडीज है, वो फर्टिलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अब ये एक्रोसोमल, ये जो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स या एक्रोब्लास्ट इसको बोलते हैं, ये केंद्र के ऊपर जाके एस्टेब्लिश हो जाती है, और बाकी की जो गॉल्जी की सिस्टर्नी होती है, वेसाइकल्स होती है, वो स्पर्मेटिड में पीछे की तरफ माइग्रेट करेगी और बाद में वो सेल्स के बाहर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वो डिस्कार्ड हो जाती है। तो सबसे पहली चेंजिंग है वो गॉल्जी बॉडीज में होती है और गॉल्जी बॉडी एक्रोसोम की फॉर्मेशंस करेगी। एक्रोसोम शुक्राणु एक प्रकार का लाइसोसोम होता है, हर एनिमल्स के स्पर्म में लाइसोस एंजाइम्स भी अलग अलग तरह के होंगे। ह्यूमन का स्पर्म है अलग एंजाइम्स है, मेंढक का स्पर्म है अलग एंजाइम्स है, पक्षियों के स्पर्म है अलग एंजाइम्स है, क्योंकि हर एनिमल्स के अंडों में लेयर भी अलग अलग है, किसी में विटेलाइन मेम्ब्रेन है, किसी में जोना पेलिसिटा है, कॉर्ना रेडिएटा है, और हर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए, डिजोल्व करने के लिए अलग अलग एंजाइमों की आवश्यकता होती है। इस बात को अपन यो भी कह सकते हैं कि स्पर्म के जो एंजाइम है, एक्रोसोम के एंजाइम है, वो जाति विशिष्ट होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। तो सबसे पहली चेंजिंग गॉल्जी बॉडीज में, और गॉल्जी बॉडी कन्वर्टेड इनटू एक्रोसोम। सेकेंड जो फॉर्मेशन है ये परफोरेटोरियम। परफोरेटोरियम क्या होगा कि शुक्राणु का केंद्रक और एक्रोसोम इसके बीच में खाली जगह होती है, खाली स्पेस होता है, इसको परफोरेटोरियम या सब एक्रोसोमल स्पेस के नाम से जाना जाता है। अब कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि ये जो परफोरेटोरियम है ये केंद्रक का भाग है, कुछ ये कहते हैं कि ये एक्रोसोम का पार्ट है, जबकि हकीकत यह है कि दोनों का ही पार्ट नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इस खाली जगह में जी एक्टिन भरा रहता है, जी का मतलब ग्लोबुलर, इसके अंदर प्रोफाइलिन प्रोटीन्स भरा रहता है, इसमें कैल्शियम आयन भरे रहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, कॉर्टिकल रिएक्शंस के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, एक्रोसोम रिएक्शंस के लिए कैल्शियम आयन चाहिए। जब निषेचन का प्रक्रिया होती है उसमें ये जी एक्टिन एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। एफ का मतलब फाइब्रस, जी एक्टिन है ये मोनोमर है, एफ एक्टिन है ये पॉलीमर है, तो एक एक करके जब जी एक्टिन एक के बाद एक जुड़ेंगे तो एक नुकीली सुई के समान रचना बन जाती है जिसको एक्रोसोमल रोड या एक्रोसोमल टेंटिकल्स के नाम से जाना जाएगा। ये नीडल रूपी जो रचना होती है ये अंडे की झिल्लियों को पंक्चर करने में काम में आती है। तो परफोरेटोरियम, एक्रोसोम और केंद्र के बीच का खाली स्थान, और इसमें जो मॉलिक्यूल भरे जी एक्टिन प्रोफाइलिन प्रोटीन और कैल्शियम आयन, और फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, एक्रोसोमल रोड इसके अंदर बनती है। केंद्रक में कई तरह के ड्रास्टिंग चेंजेस होते हैं। केंद्रक में जितना भी कैरियोप्लाज्म होगा ये सारा बाहर निकल जाएगा, कैरियोप्लाज्म, क्योंकि शुक्राणु का मेन मकसद होता है कि अपना वजन कम करे, वजन ज्यादा होगा तो ये तरल माध्यम में मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका जितना भी फ्लूड होता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। इसका केंद्रक कैरियोप्लाज्म होता है वो बाहर निकल जाता है, आरएनए के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, केंद्रिका बाहर निकल जाती है, और स्टोन प्रोटीन होती है इसमें। आप क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, इसमें न्यूक्लियोसोम रचना होती है, आठ हिस्टोन और उसके चारों डीएनए लिपटा रहता है, तो आठ हिस्टोन और डीएनए से न्यूक्लियोसोम रचना बनेगी। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का रिप्लेसमेंट हो जाता है प्रोटेमिन प्रोटीन, तो शुक्राणु के अंदर केंद्रक में क्या है, प्रोटेमिन नहीं है, स्टोन प्रोटीन नहीं है, स्टोन के स्थान पर प्रोटेमिन प्रोटीन है, और इसका फायदा क्या होता है कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा डीएनए की पैकिंग होती है, तो यहां पर पैकिंग करें, शुक्राणु का वजन कम करना है और न्यूक्लियस का वॉल्यूम कम हो गया, जबकि डीएनए उतना ही है। आपकी अपने बॉडी में स्पर्म में 23 गुणसूत्र हैं, 23
पुंसूत्र के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल भी है और केंद्र की साइज छोटी होगी। अब छोटी जगह में इतने लंबे डीएनए को पैक करना है, उसके लिए हिस्टोन के स्थान पर यहाँ पर प्रोटीन मीन्स प्रोटीन है वो आ जाएगी। अब यहाँ जो न्यूक्लियोसोम बनेगी वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, पैकिंग यहाँ पर बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है। केंद्र के बाद में फिर इसमें सेंट्रियोल में चेंजिंग होती है। स्पर्मेटिड में एक तारिका है, एक सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल में चूंकि खुद का डीएनए भी होता है, ये डिवाइड हो सकता है। अपनी बॉडी में जिन सेल्स में डीएनए होगा उसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, चाहे वो क्रोमोसोम्स हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे सेंट्रियोल हो, चाहे खुद सेल क्यों न हो, तो तारिका डिवाइड हो जाएगा, दो सेंट्रियोल इसमें बनेंगे। एक सेंट्रियोल को बोलते हैं प्रॉक्सिमल या समीपस्थ, दूसरा कहलाएगा डिस्टल या दूरस्थ प्रकार का। अब ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये केंद्र के नीचे प्रेजेंट होगा लेकिन केंद्र के लंबवत परपेंडिकुलर। दूरस्थ तारिका जो होगा ये समीपस्थ के नीचे होगा लेकिन स्पर्म के एक्सिस में प्रेजेंट होगा। तो शुक्राणु की एक्चुअल जो पुंछ बनती है वो डिस्टल सेंट्रियोल से बनती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का बहुत बड़ा रोल है। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा केवल समीपस्थ तारिका अंडे के अंदर एंटर करता है, दूरस्थ तारिका एंटर नहीं करता है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, इसका फर्टिलाइजेशन में रोल है। और इसका क्रॉस सेक्शन यदि देखें सेंट्रियोल का तो 9+2 स्ट्रक्चर जैसी होती है तारिका में, लेकिन यहां पर इन माइक्रोट्यूबल्स को अलग अलग टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। जैसे दूरस्थ तारिका में परिधि वाले जो 9 माइक्रोट्यूबल्स है उनको अल्फा फिलामेंट या अल्फा माइक्रोट्यूबल्स बोलते हैं, केंद्र में जो 2 है इसको बीटा माइक्रोट्यूबल्स बोलते हैं, और समीपस्थ तारिका की जितनी भी होती है 9+2 उनको गामा माइक्रोट्यूबल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें अलग अलग एंजाइम्स हैं और एंजाइम से फर्टिलाइजेशन में काम में आते हैं। तो तारिका डिवाइड होगा, समीपस्थ तारिका बनेगा, दूरस्थ तारिका बनेगा, और इससे पूंछ की फॉर्मेशन होती है, टेल फॉर्मेशन होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजिंग होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजिंग है वो 2 टाइप की है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद डीएनए है, इसमें डिविजन की कैपेसिटी होती है। तो स्पर्मेटिड में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम है, लेकिन जो जो आगे मेटामॉर्फोसिस होगा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी, ये बढ़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया फिर शुक्राणु के मिडिल पीस में उसके चारों तरफ क्या एकत्रित हो जाते हैं, एकुमुलेट हो जाते हैं। कई बार जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया बने वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपस में फ्यूज हो जाते हैं, क्यों बॉडी में जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्यूजन की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, इनमें हाथों हाथ संलग्न हो सकता है। तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया बने वो सारे आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और एक लंबा रिबन के समान, फीते के समान माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है जिसको निबंधकरण के नाम से जाना जाता है। तो कई बार ये निबंधकरण जो फीता है माइटोकॉन्ड्रिया का ये मिडिल पीस में चारों तरफ लिपट जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इंडिविजुअली भी हो सकते हैं और रिबन के रूप में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चेंजिंग होगी साइटोप्लाज्म में। अब चूंकि शुक्राणु को अपना वजन कम करना है, कैरियोप्लाज्म पहले इसका बाहर निकल चुका है, अब इसका जो 95 से लेकर 99% साइटोप्लाज्म ये सेल्स के बाहर निकल जाएगा टीलियोलाइसिस के द्वारा, स्पर्म बैलून के द्वारा, और केवल 1% साइटोप्लाज्म मैच्योर स्पर्म में प्रेजेंट होता है। और ये साइटोप्लाज्म की पतली परत प्लाज्मा झिल्ली के नीचे होती है जिसको मैनचेट के नाम से जाना जाता है। और लास्ट चेंजिंग होती है फिर स्पर्म कोट। आपकी हर सेल्स के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो एंटीजन का काम कर सकते हैं, एंटीजन रिसेप्टर्स का काम कर सकते हैं। इसी तरह शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली में भी ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनको एंटी फर्टिलाइजिंग के रूप में आप ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि जब भी कैपेसिटेशन का प्रोसेस होगा तो अंडे की झिल्लियों में फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुक्राणु की झिल्ली में एंटी फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पहले इनको गैमोन के नाम से भी जाना जाता था, आज के 10-15 वर्ष पहले, कि गैमिट है वो कोई हार्मोन स्रावित करती है और इन हार्मोन्स के कारण इनमें केमोटैक्सिस होता है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट की तरफ अट्रैक्ट होता है और दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। लेकिन गैमोन शब्द आजकल यूज नहीं होता है, गैमन के स्थान पर शुक्राणु के लिए एंटी फर्टिलाइजर और अंडे के लिए फर्टिलाइजर। तो शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली में ये मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में जाने जाते हैं, और एक तरह से ये स्पर्म एंटीजन्स भी हैं, एक तरह के ये एंटी फर्टिलाइजर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये इंडिविजुअल ऑर्गेनेल की जैसे चेंजिंग मैंने आपको बताई है, गोल्जी बॉडीज में चेंजिंग हो रही है, न्यूक्लियस में चेंजिंग हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजिंग हो रही है, तारिकाई में चेंजिंग हो रही है, साइटोप्लाज्म में चेंजिंग हो रही है, और इसके प्लाज्मा झिल्ली में चेंजिंग हो रही है। अब ये सारे जितने भी परिवर्तन है, सारे चेंजेस इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स में, इन सभी को 4 प्रावस्थाओं में डिवाइड किया गया है।
अगेन के फिगर्स आप देख लो, ये स्पर्मेटिट का फिगर है इसमें, तो गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, तारिकाएं है, केंद्रिका है। और गोल्जी बॉडीज की जो वेसाइकल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंस सब्सटेंस भरा है वो केंद्र के ऊपर जाके स्थापित हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ रही है, केंद्र का जितना भी तरल होता है कैरियोप्लाज्म ये बाहर रिमूव हो जाएगा, तारिका यहां डिवाइड हो गया है दो में। आगे देख लो आप एक्रोसोम डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, अब इसको एक्रोप्लास्ट बोलेंगे या अपर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के नाम से भी जाना जाएगा। स्मीपस्थ तारिका केंद्र के नीचे स्थापित हो गया है, दूरस्थ तारिका स्मीपस्थ के नीचे स्थापित हो गया है, लेकिन श्लोकवाणु की मेन एक्सिस ये फॉर्मेशन करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस के चारों तरफ एकुमुलेट होना स्टार्ट हो गए। अब ये गोल्जी बॉडी की जो बची रचनाएं हैं सिस्टर्नी वेसाइकल्स वैक्यूल्स, ये आप देख रहे हो पीछे की तरफ ये शिफ्ट हो रही है, एक्रोसोम बन गया। अब एक्रोसोम बनने के बाद में गोल्जी की जो बची रचना है वो पीछे की तरफ स्थापित होगी और इनका सेल्स के बाहर निष्कासन होता है। ये पूरा एक्रोसोम, इसको स्पर्म कैप के नाम से भी जाना जाता है, इसको इसका एक नाम और है गैलिया कैपिटिस, एक्रोसोम का जोलॉजिकल नेम गैलिया कैपिटिस, इसको गैलिया कैपिटिस भी कह सकते हैं। और ये आप देख रहे हो एक्रोसोम और केंद्र के बीच में खाली जगह परपोरेटोरियम बन चुकी है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल है, और ये जितने भी गोल्जी बॉडी के अवशेष थे ये पीछे की तरफ ये बैलून रूपी रचना के अंदर एकत्रित होना स्टार्ट हो गए हैं। ये बैलून रूपी रचना बढ़ती है, अब इसमें साइटोप्लाज्म जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है सारा जो भी एक्सेस जिसका यूज नहीं है वो सारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और लास्ट में आप देख रहे हो बैलून रूपी रचना, और ये सुकाणु से क्या होगा डिस्कार्ड हो जाएगी, टूट के सेपरेट हो जाएगी, इसको टीलियोलाइसिस भी बोल सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, और ये रेमनेंट जब डिस्कार्ड हो जाएंगे तब एक फुली मैच्योर स्पर्म जो होता है वो बन जाता है। लेकिन ये जो स्पर्म बना इसमें फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन तो हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, लेकिन फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन जो होता है वो एपिडिडाइमिस में जाके होता है, क्योंकि एपिडिडाइमिस में फ्लूइड होता है, सीमन होता है वहां पर, और वहां पर ये जब फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में आता है तब इसमें निषेचन की कैपेसिटी है वो डेवलप होती है। तो मॉर्फोलॉजिकल विभेदन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में हो गया, लेकिन फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन ये होता है सेमिनल वेसाइकल्स में। अब इसी प्रोसेस को अगेन फिर चार पार्ट में अलग तरीके से इसको अपन डिस्कस करेंगे। इसमें चार प्रावस्थ हैं, गोल्जी फेज, कैप फेज, एक्रोसोम फेज और मेचुरेशन फेज। ये गोल्जी फेज के स्पर्मेटिड्स आप देख रहे हो, इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि नया जो स्पर्मेटिड बनता है ये लगभग गोलाकार होता है, गोल्जी अपैरेटस इसमें काफी विकसित होता है, गोल्जी बॉडी वेसाइकल्स के अंदर के ऊपर एकत्रित हो जाती है, उसके बाद एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है, और ये हरे रंग में जो दिखाई है रेमनेंट्स हैं गोल्जी बॉडी के रेमनेंट, ये बाद में पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और तारिका आप देख रहे हो यहाँ पर डिवाइड हो गया है, पीसी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डीसी मींस डिस्टल सेंट्रियोल। ये कैप फेज, गोल्जी फेज के बाद में कैप फेज, कैप का मतलब टोपी, अब यहां पर एक्रोसोम की कैप है वो बन रही है, उसकी फॉर्मेशन यहां पर स्टार्ट हो जाती है। एक्रोसोम फेज में एक्रोसोम फुली डेवलप हो जाता है और गोल्जी बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है साइटोप्लाज्म है ये स्पर्मेटिड में पीछे एक साइड में एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहां पर बैलून बनेगा और ये बैलून बाद में इसके द्वारा डिस्कार्ड हो जाता है, और यहां पर आप देख रहे हो पूंछ की फॉर्मेशन। अब ये पूरा स्पर्म है यहां पर बन गया है, इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, इसमें हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है, हेड के अंदर एक्रोसोम होता है, केंद्रक होता है, मिडिल पीस के अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, डिस्टल सेंट्रियोल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और फ्लैजेलम जो होती है इसमें केवल पूंछ की रचना होती है 9+2 टाइप की। स्पर्मिएशन, अब स्पर्म बन गया, अब स्पर्म क्या होंगे, रिलीज होंगे, अभी तक जितनी भी सेल्स हैं सारे आपस में कनेक्टेड है ब्रिज के द्वारा, जितनी भी सेल्स है ये स्पर्म में ये जो साइटोली सेल्स होती है उसके द्वारा भी कनेक्टेड है, और इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक चैनल्स हैं, सेल है वो साइटोली सेल से भी कनेक्टेड है। अब ये स्पर्म रिलीज होंगे, तो रिलीज होने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। और अपनी बॉडी में कई बार बच्चे पूछते हैं कि शुक्राणु कितने बनते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है टेस्टिस का वेट, मान लिए टेस्टिस का वेट 20 ग्राम है इंटू 10 की घात 6, इतने स्पर्म एक साथ बनते हैं,
मान लिया अपने बॉडी में टेस्टिस 20 ग्राम का है, तो 20 का 10% 2 हो गया, 2 × 10^6, इतने स्पर्म एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लोजन टाइप का यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, आप देख रहे हो प्रिमोर्डिज्म सेल से स्पर्मेटोगोन बन रहे अलग अलग सीरीज के, और लास्ट सीरीज का जो एक स्पर्मेटोगोनिया होगा उससे 4 शुक्राणु बनते हैं। अब मान लीजिए 500 स्पर्मेटोगोनिया बने एक पीजीसी से, तो 500 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2000 शुक्राणु एक साथ यहाँ पर बन रहे हैं। तो अबंडेंट तो संख्या में यहाँ पर गैमिट का प्रोडक्शन होता है। इसका लास्ट पार्ट है कि गैमिटोजेनेसिस को कंट्रोल कौन करेगा, शुक्राणुजन का नियंत्रण कैसे होता है। तो नियंत्रण के इसमें कई कारक हो सकते हैं, इसमें जैसे हार्मोन्स है, मेनली गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स है, FSH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, इनहिबिन है, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी सर्टोली सेल्स के द्वारा ही स्रावित होता है। GnRH ये हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होगा, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में FSH और LH हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। FSH हार्मोन जो होता है ये सर्टोली सेल और प्रिमोर्डिज्म सेल्स को स्टिमुलेट करता है गैमिटोजेनेसिस के लिए। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है, जिसको नर में ICSH के नाम से जाना जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अंतराली कोशिकाओं में आता है, लेडिंग सेल्स में आता है, और उससे एंड्रोजन हार्मोन है वो स्रावित होता है। इनहिबिन हार्मोन ये इनहिबिट करता है। तो कई बार क्या होता है कि शुक्राणु का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो इसमें फीडबैक मैकेनिज्म है एक तरह की, तो गैमिट का प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल से यदि हाई हो गया उसमें इनहिबिन स्रावित होगा, और ये हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस से ये फॉर्म फैक्टर बनने रुक जाएंगे और स्पर्म का प्रोडक्शन वो डिले हो जाएगा। शुक्राणु की काउंटिंग कम होती है तो ये फैक्टर हाइपोथैलेमस फैक्टर है वो प्रेरित होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में स्रावित होंगे। इसमें आप देख लो हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स में आएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH निकलता है, ICSH निकलता है, ICSH अंतराली कोशिकाओं में भी आता है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। FSH और टेस्टोस्टेरोन ये सर्टोली सेल्स के थ्रू प्रिमोर्डिज्म सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और इसमें शुक्राणु जनन होता है, और फीडबैक जो होगा इनहिबिन हार्मोन्स के द्वारा भी है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा भी है। इसके अलावा अन्य कारक भी है, हार्मोन है ये तो मेन फैक्टर है शुक्राणुजन को कंट्रोल करने का, अन्य कारक में लाइट है। जैसे अब लाइट में जैसे रिसर्च ये कहती है कि दिन में अपनी बॉडी में सेरेटोनिन का लेवल ज्यादा होता है ब्लड के अंदर, और नाइट में यही सेरेटोनिन मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। मेलाटोनिन है ये पीनियल ग्लैंड का प्रोडक्ट है, दिन में मेलाटोनिन सेरेटोनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और दिन में शाम को करीब 5 बजे के आसपास, 4 और 5 के बीच में स्पर्म काउंटिंग मैक्सिमम होती है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे उसमें शुक्राणु की काउंटिंग सबसे कम होती है। तो प्रकाश की जो प्रेजेंस है ये भी शुक्राणु जनन को प्रेरित करती है, और दिन में गैमिटोजेनेसिस प्रेरित होगा, बढ़ेगा, और शाम को 4-5 बजे स्पर्म काउंटिंग मैक्सिमम होगी, और नाइट में अर्ली मॉर्निंग स्पर्म काउंटिंग सबसे मिनिमम होगी। तो प्रकाश जो है इसकी वेवलेंथ ये शुक्राणु जनन को नियंत्रित करती है। तापमान भी एक फैक्टर है, पूरी दुनिया में देखा होगा आपने, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा क्यों है, यूरोप की पॉपुलेशन इतनी क्यों नहीं है, क्या यहाँ का क्लाइमेट फर्टिलिटी के लिए सूटेबल है? इंडिया का क्लाइमेट है फर्टिलिटी के बेस्ट है, चाइना का क्लाइमेट फर्टिलिटी के बेस्ट है, अब कुछ कंट्रीज है जहां पर तापमान है माइनस में है, कुछ कंट्री ऐसे जहां पर तापमान 70 डिग्री तक पहुंच रहा है एनवायरमेंट का, तो वहां के लोगों में देखा है कि गैमिट का प्रोडक्शन इतना नहीं होता है। एक वेटिकन सिटी का नाम आपने सुना होगा, वेटिकन सिटी यूरोप में, और वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन पिछले 200 साल से कॉन्स्टेंट चल रही है, जनसंख्या बढ़ नहीं रही। अब ये नहीं कि 10 करोड़ से 20 करोड़ हो गए, वहां की पॉपुलेशन पिछले 200 साल में एकदम कॉन्स्टेंट बन रही है। अब वहां की कंट्री के लिए प्रॉब्लम है कि भाई यूथ पावर चाहिए, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो नौजवान चाहिए, यूथ पावर चाहिए, 20 से 30 साल के जो बच्चे हैं। अब पूरा यूरोप है बूढ़ों का देश है, यंग पीपुल नहीं है वहां पर, वहां एक बड़ी तरह की समस्या है। तो यूरोपियन कंट्रीज इंडियन को इन्वाइट कर रही है कि आप यहाँ आइए, यहाँ पर नौकरी करिए, हम आपको नौकरी देंगे, सारी फैसिलिटी देंगे। मेंटल स्टेटस, आदमी की जो मानसिक स्थिति है, पागल व्यक्ति होते हैं, डिप्रेशन के शिकार है, तनाव के शिकार है, उस केस में हेल्दी स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होती है।
तो आदमी की प्राणी की जो मानसिक अवस्था होती है वो भी हेल्दी स्पर्म्स के लिए उत्तरदायी होती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, आपका यदि खान पान अच्छा है, पोषण अच्छा है, अच्छी आपकी हेल्दी डाइट है, तो आपके स्पर्म भी हेल्दी होंगे। अदरवाइज क्या होता है, शुक्राणु के अंदर भी कई तरह की विकृतियां आ जाती है। ये विकृतियां मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल हो सकती है, बायोकेमिकल हो सकती है, जेनेटिकल हो सकती है। और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है काशा, काशा के नाम से एक मशीन है, कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस मशीन है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाते हैं वो ये मशीन रखते हैं, उसमें आप सीमेन का सैंपल ज्यादा से डालो, ये विद इन 5 मिनट काउंट कर देगा कि इस सैंपल में इतने शुक्राणु हैं, इतने पूंछ वाले हैं, इतना बिना पूंछ वाले हैं, इतने मोटाइल है, इतने नॉन मोटाइल है, इतने एक्स वाले हैं, इतने वाई वाले हैं, इतने में फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, इतने नहीं है। तो आजकल IVF जो टेक्निक है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें इस काशा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है और इस मशीन के द्वारा पूरे स्पर्म की, बॉडी के स्पर्म की एनालिसिस हो सकती है। तो ओवरऑल ये एक कॉन्क्रीट चैप्टर है अपना शुक्राणु जनन का। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहे? सेकेंड ईयर के बच्चे हैं क्या, कोर्स में भी है? पीजी के बच्चों की कोर्स में भी है? लक्सोइड म्यूटेशंस क्या है कि जैसे टर्मिनेटर सीड्स का नाम सुना होगा आपने, तो टर्मिनेटर सीड्स में क्या है कि आपने बीज एक बार बो दिए, है मान लिया आप बाजरे के जैसे लाए दान, टर्मिनेटर बीज लाए, आपने खेत में बाजरे के दानों को बो दिया, फसल लग जाएगी, सीटे भी लगेंगे, लेकिन उन सीटे में जो बाजरे के दाने हैं उनको आप यदि आप उगाओगे तो उनमें दोबारा फसल्स नहीं लगेगी, यानी एक बार ही वो फसल्स देती है। तो अपने ह्यूमंस में भी एक इस तरह का म्यूटेशंस है। इस म्यूटेशन में क्या होगा, बॉडी में जो प्रिमोर्डियम सेल्स है वो एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस को डेवलप कर देगी, शुक्राणु बन जाएंगे, लेकिन शुक्राणु बनने के बाद में इनका पुराना जो स्टॉक था वो खत्म हो गया, प्रिमोर्डियम सेल है वो सारी खत्म हो गई है और अब उसमें शुक्राणु का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो टर्मिनेटर सीड टाइप की जैसे ये इवेंट होती है और एक बार ही शुक्राणु का प्रोडक्शन होता है। अदरवाइज तो क्या होता है, शुक्राणु बनते रहेंगे और कुछ ए टाइप की सेल है वापस प्रिमोर्डियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। हेलो, बाड़मेर कॉलेज। हेलो, हाँ सर। हेलो, मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि एजिंग के कारण जो म्यूटेशन का इफेक्ट पड़ता है उन जीनसेस पे ज्यादा होता है और इस पर मेटोजेनेसिस पे कम, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, किस कारण से होता है सर? एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फीमेल में तो कहते हैं कि ओम का प्रोडक्शन एक निश्चित आयु के बाद में स्टॉपेज हो जाती है, मेस्ट्रुअल साइकिल 13-14 साल की एज में पीरियोडिक साइकिल स्टार्ट होती है और 45-50 ईयर्स की एज में पीरियोडिक साइकिल स्टॉपेज हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रिमोर्डियल जर्म सेल की संख्या ऑलरेडी फिक्स है, ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, लेकिन अपनी बॉडी में जो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे ए टाइप के, चाहे वो A1 हो, चाहे A2 हो, चाहे A3 हो, चाहे A4 हो, इन सेल्स में री इन्वेशन की कैपेसिटी भी है और इन सेल्स में डी डिफ्रेंशिएशन की कैपेसिटी भी है। और ये सेल अपनी वास्तविक जो पेरेंटल सेल है, जिसको आप स्टेम सेल कह सकते हो, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स कह सकते हो, उसमें ये वापस कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए आदमी में 70 ईयर्स तक भी गैमेट के प्रोडक्शन हमने देखे, 70 साल का आदमी है उसमें भी शुक्राणु का प्रोडक्शन है, लेकिन 70 साल की लेडीज है उसमें जी सर। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? अजमेर ऊपर जैसलमेर कॉलेज। यस सर, यस सर। एनी क्वेश्चन? जैसलमेर कॉलेज।
आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछे. व्हाट इज एपोप्टोसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस. जी क्या बता रहे हो? एपोप्टोसिस क्या है और इसके उपयोग क्या है? एपोप्टोसिस भी क्या है? ये प्रोग्राम सेल डेथ है. अपने बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है, हर सेल्स की मृत्यु होती है लाइफ के दौरान, सिवाय नर्व सेल्स को छोड़कर. नर्व सेल बचपन की इसमें जितनी है उतनी सेल आदि मरेगा तब रहेगी, बाकी सेल बॉडी में बनती रहती है और नष्ट होती रहती है. है जैसे बेस्ट एग्जांपल बोन मैरो का, अपनी हड्डियों में बोन मैरो में ब्लड की जितनी भी सेल्स हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो बनती रहेगी, लेकिन रोजाना इन सेल्स की डेथ भी होती है. और जब तक मैं ये स्पीच दूंगा सुकर्ण जनन का, मेरी बॉडी की 85 लाख कोशिकाएं मर जाएगी. लेकिन हम डिपार्टमेंट जाएंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, शाम को 5 बजे तक ये 85 लाख सेल वापिस मिल जाएगी. तो नेचुरल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, इसको एपोप्टोसिस के नाम से जाना जाता है. बूंदी कॉलेज सर. बूंदी कॉलेज क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. बूंदी कॉलेज हेलो हेलो. हाँ सर. हेलो सर. हाँ सर. जो स्पर्म होता है. हाँ. स्पर्म का जो हेड होता है. स्पर्म का उसकी साइज किस पर डिपेंड करती है? स्पर्म की साइज, स्पर्म के हेड की साइज केंद्रक. हाँ सर. उसकी साइज स्पर्म की किस पर डिपेंड? जिस तरह का केंद्रक होगा, जिस आकृति का केंद्रक होगा उसी पे. जैसे आपके हेलमेट की साइज आपके सर पे डिपेंड करती है. आपके सर पे मेरा हेलमेट नहीं आएगा. ठीक है. तो केंद्र की आकृति साइज है वास्तव. और वो जो पीजीसी है. जी ठीक है सर. ओके. और सर वो पीजीसी है. हाँ. पीजीसी से A1 स्पर्मेटोगोनिया बनता है. हाँ. A1 में ये कन्वर्ट हो जाता है. A1 स्पर्मेटोगोनिया बनता है. हाँ. हाँ सर. उसकी तीन कंडीशन आती है फिर बाद में. हाँ. तीन कंडीशन. या तो ये A1 स्पर्मेटोगोनिया बन सकता है. हाँ. A1 वापिस A1 में कन्वर्ट हो सकता है. इसको सेल्फ रिन्यूएशन बोलते हैं. और A1 से A2 बन सकता है. और जो तीसरी कंडीशन है. और A1 की कंडीशन है एपोप्टोसिस. A1 की डेथ भी हो सकती है. वो क्या होता है सर? कई बार क्या होता है कि आदमी जब बूढ़ा हो जाएगा, एजिंग हो जाएगी और कोई फैक्टर होगी तो ये सेल अपने आप सुसाइड कर लेती है, अपने आप इसकी डेथ हो जाती है. तो प्रोग्राम सेल डेथ है. कई देखा है, कई बच्चे नपुंसक होते हैं. सर पे आगे मेजर न्यू पॉइंट. हाँ. हाँ सर. फिर से आगे मेजर न्यू पाएगी कैसे? नहीं, ए सेल के जो ए सेल में 3 कैपेसिटी है. ए सेल वापिस स्टेम सेल में कन्वर्ट हो सकती है. हाँ सर. ए सेल डिवाइड होके आगे के स्पर्मेटोगोनिया बना सकती है. A2 टाइप के, A3 टाइप के. और ए सेल के अंदर सेल डेथ भी हो सकती है जिसको एपोप्टोसिस बोलता है. लेकिन एपोप्टोसिस का प्रोसेस ये बहुत रेयर होता है. ठीक है सर. ओल्ड एज में होगा. और कोई क्वेरी? ठीक है सर. नहीं सर. थैंक यू. ऑडियंस में कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइमिंग है. ह्यूमन में लगभग 65 दिन में एक प्रिमोर्डिज्म सेल से स्पर्म बनने में, फुली मैच्योर बनने में लगभग 65 दिन का टाइम लगता है. मल्टीप्लीकेशन में लगभग 13 दिन लगेंगे. ग्रोथ फेज में लगभग 25 दिन लगेंगे. और बाकी का जो टाइम है वो मैच्योरेशन का है. इसलिए आयुर्वेद जो साइंस है, आयुर्वेद के अपने जो वेद पुराण कहते हैं उसमें तो ये बाकायदा क्लियर कट लिखा है कि फीमेल के साथ जो पॉपुलेशन एक्टिविटी है वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए की जानी चाहिए. या करें तो 70 जितने टाइम स्पर्म बनता है 65 दिन में, तो 65 दिन के इंटरवल से सेक्सुअल एक्टिविटी है वो की जानी चाहिए. सर ये जो आपने साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बताए थे सेल्स के बीच में. हाँ हाँ. तो वो स्पर्म में भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल. स्पर्म में टीट तक रहते हैं. स्पर्म में रहते हैं. इसको स्पर्म बोट बोलते हैं. जितने भी 500 स्पर्म हो एक साथ नौका तैर
और पानी में जैसे एक्रोबेट तैरते हैं, स्विमिंग वाले लड़के हाथ पकड़ के तैर रही है, तो इसको स्पर्म बोट के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर लेकिन लास्ट में जब ये रिलीज होंगे तब ये कनेक्शन टूट जाएंगे। ऐसे तो आइडेंटिकल होने चाहिए ना फिर सारे। आइडेंटिकल कैसे? आप तो मतलब सेल मटेरियल तो हाँ मेटेरियल सब में डीएनए सेम है लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अलग अलग है। इसलिए ये जो लास्ट की जो स्टेज होती है शुक्राणु, ये जेनेटिकली तो हैप्लोइड है लेकिन फिजियोलॉजिकली सारी सेल डिप्लोइड है, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक के अंदर डिप्लोइड है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक जो प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन मैटरनल डीएनए का भी है, पैटर्नल डीएनए का भी है। लास्ट में जो स्पर्म बनेगा वो एगुणित हो गया, इसलिए लास्ट में जो स्टेज है स्पर्म बोट जिसको बोल रहे हैं वो जेनेटिकली तो हैप्लोइड है लेकिन फिजियोलॉजिकली वो डिप्लोइड है। सर व्हाई माइटोटिक डिवीजन इज शिफ्टेड इनटू मियोटिक डिवीजन इन स्पर्मेटोजेनेसिस? ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। एक्चुअल में अपने बॉडी में ग्लियल सेल्स होती है, ग्लियल सेल्स ब्रेन के अंदर, और इन ग्लियल सेल से एक फैक्टर निकलता है GDNF, ग्लियल सेल डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये फैक्टर जो होता है ये सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल्स के थ्रू ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स पे आके काम करता है, और इससे पर्टिकुलर जब फैक्टर्स कंसंट्रेशन जब इनकी ज्यादा हो जाएगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक मल्टीप्लीकेशन फेज है वो तो केवल माइटोसिस है, मल्टीप्लीकेशन तक केवल माइटोसिस है। अब इसमें स्पर्मेटोकोनिया है वो ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो गए, वहां पर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब सेकेंडरी और स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है तब मियोटिक डिवीजन है वो स्टार्ट होता है। लेकिन इसके लिए ये नर्व सेल्स ग्लियल सेल्स का जो फैक्टर है इसको GDNF के नाम से जाना जाता है, ये फैक्टर इसके लिए उत्तरदायी होता है। या और कोई क्वेश्चन बच्चे पूछना चाहें? जी सर, जैसे बोलते हैं कि स्पर्म का लाइफ स्पान ज्यादा होता है तो ये कैसे होता है? लाइफ स्पान में इन विट्रो 2 से 4 घंटे। आपने रेट की रेटेड टेस्ट स्टार्ट किया, आप वाच क्लास में रख दो, 2 से 4 घंटे स्पर्म जिंदा रहेंगे। ये स्पर्म यदि फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो 3 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें 5 साल तक 10 साल तक भी जिंदा रहते हैं, विशेषकर चमगादड़ जैसे हैं। बैट में यदि पॉपुलेशन हो गया और मेल गैमेट फीमेल गैमेट में ट्रांसफर हो गए तो उस मेल गैमेट में ये 5 से 10 साल तक ये जिंदा रह सकता है, कोई जरूरी नहीं उसी टाइम फर्टिलाइजेशन हो। तो ये क्यों होता है? और क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के द्वारा आप इसको लेबोरेटरी में 20-20 साल तक प्रिजर्व कर सकते हो। बड़े हॉस्पिटल में स्पर्म बैंक होती है, सीमन बैंक होती है, और अपने यहाँ पर वेटरनरी में तो खैर इंसेमिनेशन करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन है 190 डिग्री तक इनको प्रिजर्व किया जाता है और ये स्पर्म है सर्वाइव करता है। और जैसे कि आपने बताया कि स्पर्म होता है वो एंटीजन एज एंटीजन बिहेव करता है, हाँ। उसका जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है तो जब वो है ना फीमेल की बॉडी में एंटर करता है तो वो उसका इम्यून सिस्टम उसको एज एंटीजन रिजेक्ट क्यों नहीं करता? अब एंटीजन से इम्यूजन से दो अलग अलग टर्म्स हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो शरीर में एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट तो कर देंगे लेकिन उसके साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट भी करते हैं और उसके साथ रिएक्शंस भी करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट तो नहीं करते हैं लेकिन ऑलरेडी अवेलेबल यदि कोई एंटीबॉडीज हो उसके साथ रिएक्शंस करते हैं। और ये एग्जाम्पल मैं कई बार बच्चों को देता भी हूँ अपनी कॉलेज में, जो फैकल्टी मेंबर्स बोले तो क्या टीम स्कूल लेवल पे लेऊंगा, नाराज हो सकते हैं साथी। कुछ टीचर ऐसे हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शंस भी करते हैं। कुछ टीचर ऐसे हैं जो मोटिवेट कर दिया लेकिन इंटरेक्शंस नहीं कर रहे। कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो बच्चों को मोटिवेट तो नहीं करते हैं लेकिन जब भी रस्ते में मिलेंगे उनके साथ हाय हेलो करेंगे, इंटरेक्शंस करेंगे। तो जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज हों, एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टीज भी हो और रिएक्टिविटी भी हो,
उन मॉलिक्यूल्स को इम्यूनोजेंस के नाम से जाना जाता है, और एंटीजन है वो भी 10-12 वेराइटी के, आपको कभी पढ़ाएंगे एंटीजन का टॉपिक, इसमें कंप्लीट एंटीजन्स है, इनकम्प्लीट एंटीजन्स है, पार्शियल एंटीजन्स है, हेप्टेंस है, कई स्यूडो टाइप के हैं, कई क्रिप्टिड टाइप के हिडन रहते हैं, छिपे रोस्तम है, उनको जगाने पे अपनी आवाज उगलते हैं, वरना उगलते नहीं, आप पहचान नहीं पाते हो। मेरी नेचर क्रिप्टिड टाइप की है, हमारे साथ ही 25-25 साल से हमारे साथ रह रहे हैं, लेकिन मेरा दावा है इन्होंने मेरे को यदि पहचाना होता। और कोई क्वेश्चन? स्लाइड एक आ स्लाइड हो रहा है, थैंक यू, माउस से कट गया। बस वो थैंक यू किया, थैंक यू।